सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन आज सफलता के प्रतिमान स्थापित कर रहा है और यह देश के विकास में उसके योगदान को दर्शाता है। निगम द्वारा निर्मित गोदाम किसानों की खुशियों के खजाने से भरे हैं तथा कंटेनर्स बड़े बड़े सपनों को नई उड़ान देते हैं। यहाँ के कर्मचारी अपनी आकांक्षाओं को न केवल पूरा कर रहे हैं बल्कि भंडारित सामग्री को सुरक्षा का भी विश्वास दिलाते हैं, जो कि अपने आप में एक मिसाल बन गया है। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन पूरे देश में 14 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से 546 भंडार गृहों की कुल 12.57 मिलियन टन भंडारण क्षमता का संचालन कर रहा है। निगम दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स भी संचालित कर रहा है। इसके अतिरिक्त 20 कंटेनर फ्रेट स्टेशन तथा इनलैंड क्लियरेंस डिपो भी निगम की देखरेख आयात निर्यात की प्रक्रिया को सुगम बना रहे हैं। कॉरपोरेशन 0.39 लाख टन भंडारण क्षमता वाले 23 बॉन्डेड वेयर हाउसों का भी संचालन कर रहा है। निगम की देश के विकास के लिए प्रतिबद्धता, कड़ी मेहनत तथा उद्योग और व्यापार के प्रति समर्पण के ज्वलंत उदाहरण है। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की स्थापना 2 मार्च 1957 को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एवं वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट 1956 के तहत हुई। निगम द्वारा 7 जुलाई 1957 से कार्य प्रारंभ कर दिया गया। बाद में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एवं वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट 1956 को वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट 1962 से प्रतिस्थापित कर दिया गया। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के मुख्य उद्देश्यों में कृषि उपज तथा अन्य अधिसूचित कमोडिटीज का वैज्ञानिक भंडारण करना, आयात निर्यात को सुगम बनाने के लिए ICD, CFS, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स तथा इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट्स के माध्यम से आधारभूत संरचना प्रदान करना है। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001 तथा ISO 27001 प्रमाणित अनुसूचित मिनी रत्ना श्रेणी 1 का संगठन है। केंद्रीय भंडारण निगम के वेयर हाउसों का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। इन गोदामों में कृषि उत्पादों से लेकर औद्योगिक उत्पादों तक के भंडारण की सभी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। भंडारण और रखरखाव से लेकर केंद्रीय भंडारण निगम समाशोधन और अग्रेषण, हैंडलिंग और परिवहन, प्राप्ति और वितरण, कीट नियंत्रण सेवाएं भी प्रदान करता है। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन भारत बांग्लादेश के बीच पेट्रा पोल के माध्यम से भूमि मार्ग से आयात निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन किसान विस्तार सेवा योजना के माध्यम से कृषक समुदाय को पोस्ट हार्वेस्ट क्षति को कम करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है और उन्हें सार्वजनिक भंडारण सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करता है। यह किसानों द्वारा जमा किए गए स्टॉक के भंडारण शुल्क पर 30% की छूट भी देता है। किसानों को नेगोशिएबल वेयर हाउस रसीदें जारी की जाती हैं, जिसके माध्यम से वे किसी भी बैंक से रियायती दरों पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। CWC ने अभी तक वेयर हाउसिंग सेक्टर में बहुत मेजर रोल प्ले किया है। वर्ष 2022-23 में हमने लगभग 13 लाख स्क्वायर फीट की एडिशनल कैपेसिटी क्रिएट की, जो कि अब हम 2025 तक लगभग 45 लाख स्क्वायर फीट की एडिशनल कैपेसिटी क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसमें कि ग्रेड ए वेयर हाउसेज भी शामिल हैं। इसके साथ ही लगभग 60 लोकेशंस पे हम जहां ट्रिपल पी मोड में DBFOT बेसिस पर एसेट मोनेटाइजेशन कर रहे हैं, जिसमें कि 25 लाख स्क्वायर फीट की एडिशनल कैपेसिटी क्रिएट होगी। इसके साथ सिर्फ मेजर रोल वेयर हाउसेज में प्ले करने से ही हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। हम लॉजिस्टिक सेक्टर में, उसके वैल्यू चेन में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहते हैं। CWC अभी एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज में है, जिसमें हम डिफरेंट सेगमेंट्स पे काम कर रहे हैं, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज क्रिएशन, रेल लॉजिस्टिक्स, जिसमें कि रेल टर्मिनल्स हमने इंडियन रेलवे पर, कोंकण रेलवे पे और DFC में ऑलरेडी बनाए हैं, और आगे भी हम और उसमें एडिशन करके नए टर्मिनल्स बनाने जा रहे हैं। रेल ऑपरेशंस में जो हमारे पास CTO लाइसेंस है, उसको हम मोनेटाइज करेंगे। अपने रेक हम 3 इस वर्ष में लेकर आ रहे हैं, जो कि ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। अगले 2 वर्षों में और 10 रेक आएंगे। डोमेस्टिक कंटेनर हम ऑपरेशन करेंगे। इसके अलावा हम जो वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स को हम प्रोक्योरमेंट,
एग्रीगेशन, डिसएग्रीगेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज को हमने देना शुरू किया है, जिसको आगे और एक्सपेंड करना है। फार्मर्स ट्रेडर्स के लिए जो एग्री प्रोडक्ट्स के लिए हम सर्विसेज, वैल्यू एडेड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ENWR तो हम ऑलरेडी इशू करते हैं, और ई मार्केटिंग फैसिलिटीज़, ये सब हम उपलब्ध कराना चाहते हैं। CWC का जो रेवेन्यू अभी लगभग 2200 करोड़ है, इसको हम आगे इस ट्रांसफॉर्मेशन से, जो अगले लॉजिस्टिक सेक्टर्स में हम डिफरेंट सेगमेंट्स में और सेक्टर्स में हम आगे बढ़ रहे हैं, उससे हम इस रेवेन्यू को 5000 करोड़ और 10000 करोड़ तक अगले वर्षों में ले जाना चाहते हैं, और CWC को लॉजिस्टिक सेक्टर में एक अग्रणी कंपनी, कॉरपोरेशन बनाए रखना चाहता है। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन को भरोसा है कि भविष्य में किसानों की मदद करने में और भी सक्षम होगा। यह लगातार आगे बढ़ रहा है और अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों की अमिट छाप छोड़ रहा है, जो भविष्य में देश को सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की सफलता की याद दिलाएगा। आज पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक, बड़े शहरों से लेकर सुदूर गांवों तक, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की सफलता देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है और भंडारण तथा लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था के रूप में स्थापित है, क्योंकि कॉरपोरेशन उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, सोच में दृढ़ विश्वास रखता है।